मतलब है ऑडियंस बोर हो जाएगी बोर साहब पर हमारे नुक्कड़ नाटक से अरे कभी नहीं और अगर हो गई तो अरे नहीं होगी साहब हमने कोशिश की है कैसे पता साहब बीच में आइटम नंबर भी डाला है क्या पार जुमरे किसका है आपका उस्ताद मुस्तहिबान मेहरबान लेडी का जेंटलमैन भाइयों और बहनों जोड़ियों और गोवा के सिंगल लड़कों और हो सके तो बीच में थोड़ी तालियां भी बजा दो किसको बना रही बाबा Make yourself comfortable, भक्तो make yourself comfortable. Feel at home. बाबा आया ग्लोबल वार्मिंग का समाधान लेकर तो भक्तों ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रकृति के प्रकोप से डरा करो पर बालिका पूरी तुम तो थोड़ी हवा करो यार बाबा ग्लोबल वार्मिंग Yes, 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 coming to that. So, भक्तों, लेटर में है डेली वार्निंग. नहीं है बेटा, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही. कैसे बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग? अरे यार, बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग. अरे इंसानों का है नाटक सारा. कैसे फ्यूचर बैंक के मारा? खेल खेल में कर दिया तुझे. तो आज तू ये एनवायरनमेंट हमारा. तो अब सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे हे नेचर हमें क्षमा करो हे नेचर हमें क्षमा करो और बालिका प्लीज यार हमको थोड़ी हवा करो बालिका प्लीज यार हमको थोड़ी हवा करो वे वे बाबा की शेम शेम बाबी शेम ऑल द रॉन्ग पीपल योर नेम आराम CO2 है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम आपको पढ़ा सकते थे वो आज हमारे सामने है ऊपर है भाई जैसे CO2 और मीथेन तो बढ़ गई बेचारी गर्मी अरे बेचारी गर्मी बीच में फंस गई अब आगे देखो CO2 का अत्याचार मारे से बढ़ा दे बड़ी ऊंचाई इतने सालों में गर्मी बनने ही तो बढ़ाई जहाँ नीचे से उठाकर ऊपर तक डाला है मैंने तो बचपन से आपने ही पाला है अब यो ग्राफ बताएगा हमारी कहानी हाय आपकी आज से 17,000 पेड़ काटे जाते हैं पेड़ काटने के कारण हम अपनी स्वच्छ हवा भी खोते हैं हवा में 40% CO2 पावर प्लांट से आता है पिछले 6 लाख सालों में CO2 का ये लेवल आज तक का सबसे ज्यादा लेवल रहा है अरे ये जो CO2 के लेवल का तमाशा लगा रखा है इसका आम लोगों से यानी कि हम सब से क्या लेना देना है अरे इन सब को ये समझ नहीं आता है कि इन सब ने ये जो मजाक मजाक में खेल शुरू किया जैसे कि ये पोषण था जिससे कि ये CO2 भाई था हाँ जी आप अरे ये जो यहाँ शेर बन के खड़े हैं ये तो बढ़ते ही जा रहे आइए देखते हैं कि हम सब ऐसा क्या करते हैं
बाबा की जय। नौमर दादा की जय। बाबा देखा भक्तों, जिस सीओटू के बढ़ने का इल्जाम हम दूसरों पे लगाया करते थे उसके असली जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो अब नेचर को बचाने के प्रयास में डूब जाओ और मेरे संग आओ, मेरे जंगल के राजा मेरे भक्तों को लेकर राजा, मेरे जंगल के राजा मेरे भक्तों को लेकर राजा, मेरे जंगल के राजा एक फ्यूचर का बज गया बाजा, मेरे जंगल के राजा एक फ्यूचर का बज गया बाजा, मेरे जंगल के राजा मेरे एनवायरमेंट को बचा जा, मेरे जंगल के राजा मेरे एनवायरमेंट को बचा जा। बाबा की लीला पूरे पार। और भक्तों, बस यही नहीं खत्म होती हमारी कहानी। अब हमने बेच दिए तेल, बिजली और पानी। तेल, बिजली और पानी। तो अब इन्हें बचाने के लिए कुछ नया करो और पानी का प्लीज करो। अरे भाई बिल भरता हूँ तो बल्ब भी जलाऊंगा ना। आज कितनी गर्मी है। हाँ ठंडा पानी पी लेता हूँ। बाबूजी बताइए चलो, बिजली गई हाँ बिजली गई, बल्ब ट्यूबलाइट एयर कंडीशनर टीवी फ्रिज सारे छोटे हैं। अरे बड़ी 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 शॉर्टेज पड़ी, अरे बिजली गई अरे शॉर्टेज पड़ी, बाबूजी बताइए चलो बिजली गई हाँ बिजली गई। अभी तो बिजली गई है, शॉर्टेज ही तो बनी है ना। आने वाले वक्त में तो बिजली खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर आने वाले वक्त में पानी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भैया आप सोते ही रहना। पानी का मरी अपने साड़ी के आई अब पानी की बारी, ये तो जरूरत है हमारी के आई अब पानी की बारी। पानी है खत्म होए, पानी है खत्म होए, पानी है खत्म होए, पानी है खत्म। 2070 आपने मुझे बुलाया बॉस? हाँ मोहन। हाँ जी बॉस। मोहन आज मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। सच्ची बॉस? हाँ मोहन। हाँ यहाँ तुम्हारी सैलरी पहले 30,000 हुआ करती थी, उसे आज मैं घटा के, हाँ मोहन घटा के 10,000 कर रहा हूँ। पर प्रमोशन में तो बॉस। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन साथ में मैं तुम्हें मिनरल वाटर की दो बॉटल दे रहा हूँ मोहन। दो मिनरल वाटर की बॉटल? थैंक यू बॉस, थैंक यू। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप तो मुझे बस आधा ग्लास पानी पीने का, और वो चिंटू की मम्मी वो तो उसे पूरा ग्लास पानी पीने का। चिंटू तो आप तो रहने दो, वो तो बचपन में 8 ग्लास पानी पीते थे और मुझे तो 1 ग्लास पानी पीने पीने। अच्छा अच्छा बेटा सुन, 4 दिन में पापा की शादी आ रही है ना, तो पूरा 1 ग्लास पानी पी लेना। मैं बहुत खुश था, मेरी जिंदगी में बहार सी थी, मेरी बिल्ली जमाइमा भी मेरी थी, मेरे बाल लंबे और घने हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने की पानी की बर्बादी और मैंने अपनी सर की खेती कटवा दी। बाल धोने के लिए भी पानी नहीं रहा और मेरी बिल्ली जमाइमा मुझसे दूर भागती है। जमाइमा, जमाइमा,
भी नहीं हो सकता यार, ग्लोबल वार्मिंग के कुछ तो होंगे पॉजिटिव आसार, है ना? क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा हमें छोटा फ्लैशबैक। कितना छोटा फ्लैशबैक? अभी है 2070 को हुए यही कोई 150 साल। फ्लैशबैक भैया, ये है अप्रैल सन 1912, किंग ऑफ द सीज टाइटैनिक था सबकी आंखों का तारा, बट यार ये अटलांटिक ने तो हद ही कर दी, बाय गॉड हमने इतनी सारी आइस फ्रीज कर दी। जैक एंड रोज वर डूइंग आराम, आइसबर्ग ने कर दिया टाइटैनिक का तुड़ूम टेस्ट, सलाम। लेकिन अब आप सब लोग मुझसे पूछोगे कि भैया इसमें ग्लोबल वार्मिंग का क्या रोल है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग का रोल है भी तो पॉजिटिव रोल कैसे है? ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा फ्लैश फॉरवर्ड। तो भैया ये अप्रैल सन 2030, इस विशाल नई मेगाशिप ने करने की सबकी अटेंशन थी। अब चलिए टाइटैनिक के ही रास्ते पर, बट सर जी इस बार नहीं था, इस बार इसका डर, क्योंकि लगा आप सबकी ग्लोबल वार्मिंग का हीट ब्लास्ट मशीन। लेकिन इसका भी एक पॉइंट वो ये, क्योंकि मॉडर्न डे जैक एंड रोज वेंट ऑन टू हैप्पी लिव, बोलो ग्लोबल बाबा की जय, ग्लोबल बाबा की जय। तो देखा भक्तों, क्या अभी भी आपके अंदर का इंसान नहीं चला? आगे से जोर का धक्का धीरे से लगा, अब तो मुसीबत निश्चित ही आएगी। अगर तुम कभी किसी का नहीं सोचा तो क्यों बताएगी, क्यों बताएगी, क्यों बताएगी? तो बाबा अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्या हमारा विनाश निश्चित है, क्या हमारी आने वाली जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता? बताओ बाबा बताओ। इसका समाधान भक्तों मिला मुझे इन माई ड्रीम, इसमें आई कल रात पावर एक ड्रीम, कल रात में सपने में ब्रह्मा जी आए, तू यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है, उधर देख धरती माँ का वस्त्र हरण हो रहा है। जब देख जब देख वो क्लीन, प्रभु ने चले दिखाने मुझे एक गजब का सीन। हे प्रभु, आप ये अन्याय रोकते क्यों नहीं, वहां जाकर इस दर्द को छोड़ते क्यों नहीं? बेटा, इस ग्लोबल वार्मिंग के राक्षस से भी अगर इंसान नहीं लड़ेगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसी समय में इंसान जरूर मर जाएगा।
नेचुरल है वे। भाई खूब देख लिया आपने नुक्कड़ नाटक, खूब हो गया यहाँ आगे। बट अब समय आ गया है सवाल पूछने का, टू बी और नॉट टू बी। क्या अब भी आप यूं ही बाज में खड़े होके सिर्फ हंसते रहोगे या आगे बढ़ के अपनी धरती माता के लिए आवाज उठाओगे? मैं उठाऊंगी आवाज, मैं करूंगी कॉन्ट्रीब्यूशन। हर छह महीने में अपनी गाड़ी चेक कराऊंगी ताकि ना रहे कोई पोजीशन। मैं रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करूंगा, मैं पानी बचाऊंगा, शार की जगह बाल्टी से नहाऊंगा, मैं हर साल एक पेड़ उगाऊंगी, मैं रूम से निकलने से पहले सारी लाइट प्राइस ऑफ करूंगा। तो देखा आपने भैया, इसी तरह हुई धरती से दिखाया खेंगा उस दादा को और नहीं बने उसके स्लेव। बोलो डबल बाबा के बाबा, तो इससे कुछ समझे बच्चों? समझ गए बाबा, पूरी हम सबसे भूल आगे से फॉलो करेंगे हम सभी यही रूल। अरे अब तो इसी से ठीक होगा ये गद्दारा, चल मेरे केले शुरू कर दे कारा। जोर से बोलो धरती बचा लो, फिर से बोलो धरती बचा लो, बोलो धरती बचा लो, बोलो धरती बचा लो, हाथ से गाय धरती बचा लो, जोर से बोलो धरती बचा लो, फिर से बोलो धरती बचा लो, धरती बचा लो।